एक राजा के चार प्रश्न। पहला प्रश्न, भगवान एक है या अनेक? दूसरा प्रश्न, भगवान कहाँ रहता है? तीसरा प्रश्न, भगवान करता क्या है? चौथा प्रश्न, और वो मिलता कैसे है? जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर भगवान के विषय में ये प्रश्न लेकर आया हूं। एक बार एक राजा के मन में कुछ प्रश्न उठे कि सब लोग भगवान भगवान तो कहते हैं, भगवान का पूजा पाठ भी करते हैं, पर भगवान को मैंने देखा है ऐसा कहने वाला कोई नहीं दिखा। हजारों लाखों लोग भगवान को अपने अपने हिसाब से मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कोई श्री राम को भगवान मानता है, कोई कृष्ण को, कोई शिव को तो कोई गणेश को, कोई दुर्गा को तो कोई काली को, यहां तक कि लोग पत्थरों को भी भगवान समझकर पूछते हैं। अब समझ में नहीं आता कि इनमें से असली भगवान कौन है, भगवान एक है या अनेक। कभी कभी मन में विचार आता है, यदि भगवान है तो वो करते क्या है और कहां रहते हैं। एक मन में प्रश्न सा चलता रहता है, भगवान भगवान किसने देखा भगवान। कभी लगता है कि भगवान है और कभी लगता है कि नहीं है। भगवान को लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत सी कंफ्यूजन रहती है। कभी लगता है कि जो हम भगवान के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं ये सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। इन्हीं सब बातों का समाधान पाने के लिए राजा ने चार प्रश्न तैयार किए। पहला प्रश्न, भगवान एक है या अनेक? दूसरा प्रश्न, भगवान है तो रहता कहां है? तीसरा प्रश्न, भगवान का कार्य क्या है? और चौथा प्रश्न, भगवान मिलता कैसे है? इन्हीं चारों प्रश्नों को राजा हर समय अपनी गांठ में बांध कर रखता था। और जब भी कोई संत महात्मा, पंडित ज्ञानी, ईश्वर भक्त मिलता था तो उसी से ये चारों प्रश्नों को पूछने लगता था। कोई भी राजा के इन प्रश्नों का सही रूप से जवाब नहीं दे पाया। एक दिन राजा के दरबार में एक फकीर आया, भिक्षा की याचना करने लगा। राजा ने देखा कि ये फकीर भगवान की भक्ति में तल्लीन है, हर क्षण भगवान का नाम लेता है, पर याचना मुझसे कर रहा है। इसका भगवान इसको खाने को भी नहीं दे रहा। राजा ने कहा, ए फकीर, मैं तुझे जो मांगेगा वो दूंगा, परंतु मेरे प्रश्नों के उत्तर यदि नहीं दे पाया तो मैं तुझे निश्चित रूप से दंड भी दूंगा। मुझे बताओ, भगवान एक है या अनेक? वो रहता कहां है और कैसे मिलता है? भगवान का कार्य क्या है? मित्रों, प्रश्न सुनकर फकीर बोला, ए राजा, पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने जो प्रश्न किए हैं ये प्रश्न जिज्ञासु बनकर किए हैं या उद्दंडता पूर्वक? राजा बोला, फकीर, मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं भगवान के बारे में जानूं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। फकीर बोला, तो महाराज, ये किसी श्रद्धालु के लक्षण नहीं है। जब भी किसी से ज्ञान लिया जाता है तो ज्ञान देने वाले का स्थान ऊंचा होना चाहिए और ज्ञान लेने वाले का स्थान नीचा, क्योंकि यदि हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो छोटा बनकर ही उससे कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बड़ा बनकर नहीं। आपको यदि ज्ञान लेना है, अपने प्रश्नों के समाधान चाहिए, तो आप मेरे स्थान पर आइए और मुझे अपने स्थान पर बिठाइए। बंधु, राजा ने वैसा ही किया, तुरंत सिंहासन छोड़ दिया और फकीर को सिंहासन पर विराजमान किया। अब नीचे खड़े होकर राजा ने वही प्रश्न पूछे, भगवान एक है या अनेक? भगवान रहता कहां है, वो मिलता कैसे है और भगवान का कार्य क्या है? फकीर ने कहा, महाराज, कुछ आईने मुझे लाकर दो। फकीर के कहते ही राजा ने हजारों शीशे मंगा दिए। वे आईने फकीर ने सूर्य की ओर करके लाइन से रखवा दिए। अब फकीर ने पूछा कि महाराज, राजा साहब, शीशे में देखकर बताइए तुम्हें क्या दिख रहा है? राजा ने जवाब दिया, इनमें तो सूर्य ही नजर आ रहा है। दूसरे में देखो। दूसरे में देखा तो उसमें भी सूर्य नजर आ रहा था। तीसरे में देखो, तीसरे में भी सूर्य नजर आ रहा है। फिर फकीर ने कुछ शीशों पर धूल डाल दी और पूछा, इसमें देखो। राजा बोले, इसमें तो सूर्य नजर ही नहीं आ रहा। फकीर बोला, राजन,
जिस प्रकार सूर्य एक है पर हजारों शीशे होने के कारण सब में अलग अलग नजर आ रहा है, उसी प्रकार ईश्वर एक है पर लाखों लोगों में अलग अलग भाव होने के कारण उन्हें अलग अलग प्रतीत होता है। जिस तरह शीशे पर धूल डालने के बाद शीशे में सूर्य नजर नहीं आ रहा था, उसी प्रकार मनुष्यों के अंतःकरण पर पाप, लोभ, स्वार्थ और अहंकार रूपी धूल जम जाती है तो उन्हें ईश्वर दिखाई नहीं देता। मित्रों, राजा का दूसरा प्रश्न था कि भगवान रहता कहां है। फकीर बोला, एक काम करो, थोड़ा सा दूध लाओ। राजा ने तुरंत एक कटोरे में दूध लाकर दे दिया। सोचा फकीर ने दूध पीने के लिए मंगाया होगा, परंतु फकीर ने दूध पिया नहीं, उस दूध के कटोरे में उंगली डालकर घुमाने लगा। बहुत देर हो गई उंगली घुमाते घुमाते, तो राजा ने पूछा कि महाराज दूध में उंगली क्यों घुमा रहे हो। फकीर बोला, महाराज मैंने सुना है कि घी दूध से ही निकलता है, इसलिए इसमें मैं घी देख रहा हूं। राजा बोला, अरे ऐसे कैसे घी दिखाई देगा। घी पाने के लिए पहले दूध को खूब आंच पर रखकर पकाया जाता है, फिर उस दूध को जमा कर दही बनाया जाता है, फिर एक दूसरे पात्र में डालकर उसे मथानी से मथा जाता है और काफी देर मथने के बाद उससे मक्खन निकलता है, फिर उस मक्खन को तपाने के बाद घी बनता है। घी रहता तो दूध में ही है पर बातों से नहीं मिलता, उसकी एक विधि है, उन विधियों का पालन करने से ही घी की प्राप्ति होती है। फकीर कहने लगा, महाराज आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर तो अपने आप स्वयं ही बता दिया। जैसे दूध में घी रहता है वैसे ही ईश्वर भी कड़कड़ में रहता है, मुझ में भी है, आप में भी है। उसे देखने के लिए हमें दूध की तरह पहले तपना पड़ता है, ज्ञान की मथानी से मथना पड़ता है और वैराग्य रूपी मक्खन निकलता है, उसको गर्म करके भगवान को देखा जा सकता है। नियम और संयम के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर करता क्या है। फकीर बोला, राजन ईश्वर क्या करता है उसे जानने के लिए आपको मेरे वस्त्र पहनकर ही ईश्वर के कार्य को देखना होगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा विनम्रता से दिखाई देता है। जिस तरह मैं दरबार में आया था उसी तरह आप दरबार में आइए। अब तो फकीर के वस्त्र राजा ने पहन लिए और राजा के वस्त्र फकीर ने। फकीर की भांति राजा दरबार में पहुंचा और अपना प्रश्न पूछने लगा कि ईश्वर का कार्य क्या है। फकीर बोला, है राजन जिस तरह थोड़ी देर पहले तुम राजा बनकर इस सिंहासन पर विराजमान थे और मैं नीचे खड़ा था, अब देखो तुम फकीर के वेश में नीचे खड़े हो और मैं राजा बना बैठा हूं, यही ईश्वर का काम है। पल में राजा से रंक बना दे और रंक को राजा, उसकी कला कब पलट जाती है पता ही नहीं चलता। छोटे को बड़ा बनाना और बड़े को छोटा बनाना यही ईश्वर का काम है। बंधु, फकीर के द्वारा समझाए गए प्रश्नों से राजा बहुत संतुष्ट हुआ। उसे वास्तविक ईश्वर का ज्ञान हो चुका था कि ईश्वर एक ही है, अनेक रूपों में दिखने वाली तो उसकी शाखाएं हैं, मूल तो जड़ ही है ना। यदि हम जड़ पर पानी देते रहेंगे तो शाखाओं तक पानी अपने आप पहुंच जाएगा। शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण, गणेश, ये सब ईश्वर की शाखाएं हैं। यदि हम इनमें से एक शाखा को पकड़कर लटक जाएं, तो वो भी आपको ईश्वर से मिला देगी। कहते हैं डूबते को तिनके का ही सहारा बहुत है, नास्तिक होने से तो अच्छा है कि किसी एक की उंगली पकड़ लें, वो भी आपको ईश्वर तक पहुंचा देगा, ईश्वर का ज्ञान करा देगा। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य बोलना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।